खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बात नहीं समझ पा रही हूँ, आप कह रहे हैं कि वो दिवंगत नेता हैं, सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन राजीव गांधी के लिए अगर वो भ्रष्टाचारी नंबर वन कहे तो आपको बहुत चोट पहुंचती है, आपको दुख होता है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चोर है कहे तो आप कह रहे हैं ये कैंपेन है, शानदार तालियां बजाओ सब जोर जोर से, ये तो कैंपेन उन्होंने, है। उन्होंने एक तथ्यों के आधार पर गलत वाक्य किया है। नंबर एक, ये तो जाहिर है कि बीजेपी प्रधानमंत्री पूरी पार्टी न भारतीय परंपरा न भारतीय संस्कार का से परिचित है, जीरो परिचय है, इसीलिए मृत व्यक्ति के बारे में इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर बिल्कुल सिखाना पड़ेगा, संस्कार सिखा रहे हैं, लेक्चर देते हैं हमें संस्कार पार्टी का आइडियोलॉजी नंबर बाहर आया है। नंबर दो, इन्होंने सीधा बोफोर्स का नाम लिया। मैंने तथ्य गिना दिया आपको, 2004 के जजमेंट का क्या हुआ, आपकी सरकार ने अपील नहीं किया 14 साल, उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने उसको निरस्त कर दिया। तो सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो लेकर अभी तक कोई झूठ बोल रहे हैं। अरे तो आदमी बाइज्जत बरी हो गया क्योंकि बारे में आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि आप कोर्ट की बात कर रहे हैं अभिषेक, और कैसे होता है आदमी भ्रष्ट, और कैसे होता है, नहीं होता है ना कोर्ट जब प्रधानमंत्री कोर्ट ने प्रूव नहीं किया ना सर, तो वो भ्रष्ट नहीं हुए। कोर्ट ने कहा कि आप प्रूव नहीं कर पाए राजीव गांधी भ्रष्ट नहीं है। नहीं, कोर्ट ने निर्णय दिए दो 2004 और 5 में क्वाश की बोफार की प्रक्रिया, अंडरस्टूड सर, क्वाश की, हाँ क्वाश की। अब कह सकते प्रधानमंत्री तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर है आप कैसे कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो अभी फैसला भी नहीं आया। मैं बताऊँ आपको, अभी तो उस मसले पर बातचीत भी नहीं। मैं बताऊँ आपको, हम कह रहे हैं 2 वर्ष से कि इस देश में हमने आरोप लगाया है, ये 8 तथ्य हैं, इन 8 तथ्यों में हमको या तो जवाब दीजिए, जीरो जवाब, नंबर 2 जेपीसी करिए, नो जेपीसी, नंबर 3 सीबीआई से इंक्वायरी करवाइए, नो इंक्वायरी। तो इसलिए हमने एक कैंपेन पुराना किया है, हमने अभी थोड़ी बनाया है कैंपेन। आप बताइए रफेल के बारे में किसी मुद्दे पे क्या उत्तर मिला है आपको, एक मुद्दे बता दीजिए उत्तर दीजिए। आज तक कोई बता सकता है कि इस प्राइवेट कंपनी को क्यों चुना गया, एचएएल को क्यों हटाया गया, 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया, उत्तर कौन सा मिलता है? अरे ये तो दसौल और उस प्राइवेट कंपनी के बीच की बात है, मैं चाहूंगा आप अपनी प्राइवेट कंपनी लेके जाइए, आपको 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। ये सब जवाब दे चुका है, वो बार बार दोहरा के गुमराह कर रहे हैं, जवाब ही नहीं। किसी एक आदमी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ऐसे कितने लोग को सब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऑफशोर पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, ऐसे अननेसेसरी बिना मतलब का अनिल अंबानी को काम दे दिया। वो एक आदमी देश चलाता है क्या, एक कंपनी है क्या इस देश में? आप देखिए इस तरह का बातें करके कोई फायदा नहीं है। और मैं पहले वाले बात को जवाब देना चाहता हूं, कांग्रेस का एक नियम है कि गांधी नेहरू परिवार को कोई कुछ कह ही नहीं सकता इस देश में। आप कोई राहुल गांधी का खिलाफ में, सोनिया गांधी के खिलाफ में, वो भी तो इस देश का नागरिक है ना, अगर अभी हमारे बीच नहीं रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री रहे हैं, उसके खिलाफ क्या आप नहीं बोल सकते हैं क्या? अरे तो आप कहते कि वो इस दुनिया में नहीं, आप बात ही नहीं कर सकते। जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं वो एंसरेबल है, अगर वो आदमी नहीं है, गलत काम तो गलत काम है, सही काम तो सही काम है। कौन सा गलत? ये कोई देश से बड़ा कोई नहीं है। कौन सा गलत? देश से बड़ा कोई नहीं है, कोई एक परिवार देश से ऊपर मत मानिए, ये सबसे गलत है कांग्रेस पार्टी में। परिवार की बात करते हैं, सही परिवार तो नागपुर में है, रिमोट नागपुर में है, सही परिवार वो अंग हैं जिन्होंने इस देश में इतना जहर फैलाया है। अब आपको मैं परिवार की बात बता दूं, रिजू जी अगर लेफ्ट आरएसएस के बारे में जो कहते हैं ना, बहुत गलत बात है। अगर रिजू जी, अगर हम आरएसएस अगर मैं जानता हूं, अगर रिजू एक सेकंड, रिजू जी बाएं टर्न करेंगे बाएं तो पंजाब दिखेगा इनको, वहां परिवार नहीं दिखेगा, वहां उनका गठबंधन का पार्टनर दिखेगा। अगर दाएं मुड़ेंगे तो इनको महाराष्ट्र में परिवार नहीं दिखेगा, गठबंधन का पार्टनर दिखेगा, शिवसेना अकाली। अगर वो कहीं और मुड़ेंगे, उनके हजारों ऐसे उदाहरण हैं इस देश में 30 साल से, जरा गौर करिए, 30 साल से कौन से गांधी ने शासन किया है? आज 30 साल होने वाले हैं, ये किस प्रकार का व्यंग है? और जो व्यक्ति किसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से बार बार चुनावित होता है, क्या वो ठीक विपरीत नहीं है परिवारवाद का? 10 बार चुनावित कोई अमेठी से होता है, कोई रायबरेली से होता है, कहीं और से होता है, तो उसके बाद परिवार की बात करते हैं। चुनता मतलब गणतंत्र लोकतंत्र है ना, गणतंत्र लोकतंत्र अपवाद है इसका, एक विपरीत है क्या? 30 वर्ष से कोई गांधी यहाँ पर शासन नहीं कर रहा है, इसका मजबूरी बात कर रहे हैं कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस में रहना है तो एक परिवार का पूजा तो करना ही पड़ेगा, उसमें मैं इनको मैं खराब नहीं पाता हूँ इस चीज के लिए, वो मजबूरी है।
लेकिन मेरा ये इस देश में सिर्फ एक व्यक्ति की होती है, मोदी जी की। मेरा ये मानना है, ग्रेटो बोलना पड़ता है हर दिन, मोदी जी काम बोलो तो आप निकल जाओगे बाहर करके प्रधानमंत्री बना है, उसको पैदाइश प्रधानमंत्री नहीं बनाया। मोदी जी मेहनत किया है, सेवा किया है, तब जाकर के इस देश का प्रधानमंत्री बनाए और लोकप्रिय प्रधानमंत्री बनाए विश्व में। अब सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, विश्व भर में मोदी जी को जानते हैं सब, क्योंकि विश्वास है कि ये एक ऐसे नेतृत्व मिला है भारत देश को जिसका बस विजन है। वो किसी परिवार का नाम से, जाति का नाम से प्रधानमंत्री नहीं बना। अभिषेक, क्यों ये परसेप्शन जाता है कि आप लोग नरेंद्र मोदी को आज तक प्रधानमंत्री, आपको हजम ही नहीं हो रहा है कि वो आदमी कैसे प्रधानमंत्री बने? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? इन 5 सालों में आप यकीन ही नहीं कर पाए कि ये कैसे, ये शख्स कैसे इस कुर्सी पर बैठ सकता है। सच्चाई ये है कि हम तो हमेशा गणतंत्र लोकतंत्र के नतमस्तक होते हैं, और सच्चाई ये कि इस देश में अगर डिक्टेटरशिप की तरफ कोई जा रहा है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी। वो चाहते हैं, वो चाहते हैं, समझ में नहीं आते आई मी माई सेल्फ सिर्फ एक व्यक्ति कहता है, वो पूछ रहा है किस चीज की डिक्टेटरशिप आप बोलिए, प्रधानमंत्री ने किस चीज का नहीं, प्रधानमंत्री आज क्या तबाही कर दिया आप लोगों का जो डिक्टेटर कह रहे हैं? मैं हमारी तबाही की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इतना अहंकार हो गया एक 5 वर्ष के कार्यकाल में। हमने तो कभी आपके नहीं कहा, हम तो चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी के नहीं बनो, प्रधानमंत्री इस देश के बनो, प्रधानमंत्री हमारे भी बनो, प्रधानमंत्री अल्पसंख्यकों के भी बनो, प्रधानमंत्री उनके भी बनो जो आपसे असहमत हैं। ये प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी का प्रधानमंत्री बन रहा है। सवाल ये है, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सब लोग उनके कांग्रेस पार्टी पावर के बिना रह ही नहीं सकता है। मछली को नदी से बाहर निकाल दीजिए वो तड़पते रहता है, वो बाहर रह ही नहीं सकता है। मैं पहली बार मंत्री बना हूं जिंदगी में, हमेशा अपोजिशन रहा है 30 साल, पहली बार हम लोग सरकार चलाया। कांग्रेस तो हमेशा सरकार में रहा है, इसलिए उसका आदत ही नहीं है बाहर रहने के लिए। एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि कोई दूसरा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, दूसरा पार्टी भी इस देश को चला सकता है, ये विश्वास ही नहीं कर रहे। इसलिए मैं मानता हूं, मैं जनता से दुआ करता हूं, ईश्वर से भी दुआ करता हूं कि कांग्रेस को परमानेंट अपोजिशन में रख दे, तो आदत होना चाहिए। ये देखा डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, ये देख रहे आप डिक्टेटरशिप का एक उदाहरण, कांग्रेस मुक्त भारत का हैबिट। अभी 23 तारीख को इनको शॉक लगने वाला है, कांग्रेस का हैबिट जो है ना उसको बदलना जरूरी है। इन्होंने मेरी डिक्टेटरशिप की बात प्रमाणित कर दी, अभी हमेशा के लिए बाहर रखो, सिर्फ मोदी जी को प्रधानमंत्री रखो। आपको अभी इसका जवाब 2 हफ्ते में मिलने वाला है। पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ एक परिवार एक आदमी हमेशा नहीं रहता है, वो समय के साथ नेतृत्व बदलता है, और आप लोग जैसे परमानेंट जो भी आओ यही फैमिली रहना है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। लेकिन किरण जी, जब पहले राजीव शुक्ला आए थे तब वो भी यही बात कह रहे थे, अभिषेक मनु सिंह भी आए हैं वो भी यही बात कर रहे हैं। ये मोदी जी का बिहेवियर या मोदी जी किस तरीके से काम करते हैं, ये आपसे ज्यादा इन लोगों को कैसे पता चल रहा है? वो नहीं चाहते कि काम वो आपके साथ कर रहे हैं। ये मंत्री महोदय से पूछे कितना पावर इनको अपने मंत्रिमंडल में, अभिषेक मनु सिंह के साथ कैसे आप लोग, ऐसा तो नहीं है कि माइक पर कुछ और बोल रहे हैं और अभिषेक मनु सिंह के साथ कितना पावर है? ये चाहते हैं कि मैं मोदी जी को चैलेंज करें, मैं अपने नेता को चैलेंज करूं कि अरे ये हिम्मत का बात नहीं है, अपना नेतृत्व को इज्जत देना हमारा दायित्व है, ये परंपरा है। आपके मंत्रिमंडलों में आपके चपरासी से लेके ऊपर तक नियुक्ति आप नहीं करते, ये चाहते हैं वो डिक्टेटर करते हैं। आपके निर्णय उनके पीएमओ के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेते हैं, आपकी मंत्री की बात नहीं, पूरे मंत्रिमंडल की ये कहानी है। तो कांग्रेस में कौन लेता है? हिम्मत नहीं है ये कहने की, जो मैं कह रहा हूँ आपके भी, कांग्रेस में कौन लेता है? आपके भी कह रहा हूँ, आपके अंदर हिम्मत नहीं कहने की। पर कांग्रेस में कौन, कांग्रेस में भी तो एक ही परिवार है जो सारी की सारी, मैंने बताया ना प्रधानमंत्री लेता है। कांग्रेस में गांधी परिवार का कोई प्रधानमंत्री 30 साल से नहीं है। और रिमोट कंट्रोल क्या चीज होता है? रिमोट कंट्रोल वो होता है जो नागपुर से चलाता है, रिमोट कंट्रोल लोगों को वो होता है रिमोट कंट्रोल। देखिए, मैं एक गंभीर आरोप लगाता हूँ, बहुत सीरियस बात है। प्रधानमंत्री जी का जो दफ्तर होता है, प्रधानमंत्री का जो पोस्ट होता है, वो सबसे हमारे लोकतंत्र का एक गरिमा पोस्ट है। वहां का फाइल भी 10 जनपद में जाकर के पूछना पड़ता है कि निर्णय क्या करना है। तो ऐसा देश, ऐसा हमारा सरकार चाहिए क्या? हम चाहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री मजबूत हो और उसी के उसके निर्देश पर पूरा सरकार चलना चाहिए। ठीक है, हमारा मजबूत प्रधानमंत्री है, यही हम चाहते हैं। हर मंत्री प्रधानमंत्री को चैलेंज करेगा क्या कि यूपीए में जो चलता था, दाएं बाएं कौन कहां चल रहा है पता ही नहीं चलता था? हमारा यहां सिस्टम है और प्रधानमंत्री कार्यालय वो पूरा को निगरानी करना, ये देश हित में है, और मजबूत प्रधानमंत्री देश हित में होता है। अभिषेक जी, रिमोट कंट्रोल का जिक्र करते हुए, भाई चल तो 10 जनपद से रहा था ना सब कुछ,
कहां प्रमाणित है, किसका, इनके कहने से सबको मालूम है, सब कुछ चल रहा था। कोई बात जो गुजरात मॉडल था, जब माननीय मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तो उन्होंने एक नया मॉडल निकाला, गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल की परिभाषा पता है आपको, एवरीथिंग इज सेंट्रलाइज्ड, आई मी माई सेल्फ। उसी मॉडल को यहां केंद्र में स्थापित करने का प्रयत्न बहुत हद तक सक्सेसफुल हुआ है। मैं दोहरा रहा हूं, निर्णय समन्वय से नहीं होते। डिमोनेटाइजेशन का निर्णय हुआ, क्या मंत्रिमंडल को बताया आपने? इस देश के 125 करोड़ लोगों के बारे में आपने निर्णय लिया, क्या मंत्रिमंडल को कंसल्ट किया आपने? ये होता है रिमोट कंट्रोल, ये होता है डायरेक्ट कंट्रोल, ये गणतंत्र है क्या? आपने कितने और निर्णय लिए मंत्रिमंडल में? आप जाते हैं, आपको दिया जाता है निर्णय, सच्चाई ये है। हमारे को तो एक और प्रॉब्लम थी, हमारे वक्त में कुछ ज्यादा डिस्कशन, ज्यादा गणतांत्रिक प्रक्रिया होती थी। मैं निजी रूप से मानता हूं कि थोड़ी कम होनी चाहिए थी, गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया कुछ ज्यादा थी, बातचीत वार्तालाप कुछ ज्यादा था। मोदी जी के वक्त तो शून्य है। ये मॉडल है गुजरात मॉडल। इस मॉडल में जो नियुक्तियां होती है अलग अलग मंत्रिमंडल में, उन लोगों की होती है जो मंत्री महोदय पे आंख रख सके। ये डोसिये राज है। आप अपने आप सोचिए, कभी इतना भय था? आप जब बात करते हैं तो हर लोग मान के चलते हैं कि किसका डोसिये, किसकी रिकॉर्डिंग, किसकी बातचीत हो रही है। लगता है हमारा पहले नहीं था कभी भी, हमारा सरकार वो चला रहे हैं, उसको ज्यादा मालूम है हम लोग साबित हुआ है कैसे चलाते हैं। और मुझे मालूम है, क्योंकि सीबीआई, आईटी, ईडी, ये सब यंत्र सिर्फ राजनीतिक द्वेष की भावना से दुरुपयोग करने की वजह से चल रहे हैं।